ये मेरी यात्रा की कहानी है, एक ऐसी कहानी जहां मेरे अनेक सवालों का जवाब खोजती मेरी कहानी। दुख और परेशानियों भरे मेरे जीवन में थोड़ी सी शांति की, खुशी की, सुख की तलाश में मेरी ये यात्रा है, इन परस्यूट ऑफ लव एंड अ जर्नी इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। सिनेमा जगत का एक जाना माना संगीतकार हूं। एक तरफ डिवोर्स के लिए इंतजार करती मेरी बीवी और दूसरी तरफ तबाह होता हुआ मेरा करियर। मैरिज इज लाइक अ पीस ऑफ म्यूजिक, जहां लय और ताल के मधुर मिलन से एक खूबसूरत मेलोडी बनती है। जब ताल या लय में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो जैसे संगीत में होता है वैसे ही जीवन में भी हारमोनी खराब हो जाती है। ओ, क्या खटपट लगा रखी है? मैं यहाँ बर्तन साफ कर रही हूँ, क्यों तुम्हें दिक्कत है क्या? तुम देख रही हो ना, मैं काम कर रहा हूँ अंजू। तुम घर के काम में थोड़ा हाथ तो बटा सकते हो ना, अब मैं किससे जाकर हेल्प मांगूंगी? हाँ बड़े आए स्टूपिड लेजी बग। जब कुकर में सीटी आए तो ऑफ कर देना, मैं नहाने जा रही हूँ। क्या ये, तुम पहले जाकर भी तो नहा सकती थी। तुम्हें इसे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ओके? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि तुम पहले भी जाकर नहा सकती थी। ठीक है, नहीं नहाए, मुझे और भी तो काम है ना। क्या मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठकर तुम्हारे गाने ही सुनती रहूंगी? हाँ रहने दो, तुम्हें जो करना है करो, बट जस्ट लीव मी अलोन। देखो मुझे बातें मत समझाओ, घर खरीदने के लिए पिताजी से जो पैसे लिए थे उन्हें वापस देने की तारीख भी निकल गई है। तुम्हें इस बात का ख्याल भी है? तुमने आज तक मुझे एक भी खुशी दी है? पिछले 8 साल में एक बार भी? ओ, तुम फिर से शुरू हो गई। पिछले 8 साल से मुझे भी तो कोई खुशी नहीं मिली, तो फिर तुम्हें कहाँ से दूंगा? जब देखो हारमोनियम लेकर बैठ जाते हो। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे तुम एक बात बताओ, एक भी जिम्मेदारी उठाई है आज तक, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम? हेमंत को देखा है, पिछले महीने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है उसने, हेमंत ने पहले ही कहा था। बस करो, जब देखो तब हेमंत हेमंत हेमंत, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना, समझी? लूंगी मैं, जानती हूँ तुम्हें हेमंत के नाम से परेशानी होती है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स होता है उसके स्मार्टनेस से, किसी भी तरह से तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, तुम उसके जैसे हो ही नहीं, पता है? बस करो अंजलि। अच्छी नौकरी, उस पर क्या ग्लैमर है उसका, अरविंद स्वामी की सुंदरता। मैंने कहा बस करो अंजलि। हेमंत ने कहा था, अंजलि तुम्हारे और राम का कोई मेल नहीं है, तुमने क्या देखकर शादी की? बस करो, बंद करो ये अपनी बकवास और निकल जाओ मेरे घर से। वो चली, जाना पड़ा। उसी दिन शायद मैं वहां था, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादीशुदा जीवन में अरविंद स्वामी की खूबसूरती और सलमान खान के मसल्स का इतना बड़ा स्थान है। मेरे जैसे इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था। आप जरा कुछ देर बाहर इंतजार करिए, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है।
मैं तुम्हारे सामने काउंसलर नहीं बल्कि एक फैमिली फ्रेंड की तरह बैठकर बातचीत करूंगा। राम, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कोई ऐसा काम किया हो जो हो तो आखिरी बार लेकिन वो तुमने पहली बार किया हो? याद नहीं आएगा, क्योंकि 4 साल तक प्यार करने के बाद जब सारा एक्साइटमेंट थ्रिल खत्म हो गया तब जाकर तुमने शादी की। और जब सालों तक आप दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो एक दूसरे की कमियां दिखाई देने लगती हैं, फिर उसमें ना कोई थ्रिल होता है ना कोई एक्साइटमेंट होता है। हर रोज आप एक दूसरे को दोष देना शुरू करते हैं, सिर्फ कमियां और बुराइयां ही दिखाई देने लगती हैं। ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, मेरे पास हर रोज ना जाने कितने लोग आते हैं इस बात को लेकर। 7 ईयर हिस्ट्री के बारे में हो सकता है तुमने कुछ सुना हो। शादी के 4 साल बाद इस तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं जो बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि तलाक के जो ज्यादातर मामले होते हैं वो 7 साल के अंदर के ही होते हैं। कुछ लोग तलाक ले लेते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं और कुछ लोग बच्चों के बारे में सोचकर अपने लाइफ को ऐसे ही एडजस्ट करके जीते रहते हैं। तुम्हारे साथ ये थोड़ा जल्दी हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम लोगों ने 7 साल एक दूसरे से अफेयर करने के बाद ही शादी की थी। उस दिन मेरी समझ में आया कि दुनिया में मेरी बीवी से भी ज्यादा बोरिंग कई लोग हैं। उस आदमी की बकवास मेरे सिर के ऊपर से चली गई। मैं बस सर हिला रहा था लेकिन उसकी बकवास सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते हुए मुझे कोई खींच कर किनारे पर ले आया हो, और वो था एक शब्द, एक जादुई शब्द, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। मैरिज इज 51% प्लेजर एंड 49% पेन। चाहे वो पढ़ाई में हो या चाहे नौकरी में हो या फिर खुद के किए हुए काम में, जब दो लोग साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। क्या होता है कि अक्सर दोनों के बीच में ये परस्पर सामंजस्य नहीं बैठता है तो दोनों के बीच में समस्या शुरू हो जाती है। 51% खुशी से ज्यादा अक्सर 49% जो पेन होता है, हमारी नजर उसके ऊपर ही जाती है और हमें वही दिखता है। ये है मेरी लिखी हुई एक किताब, SOS सिंड्रोम एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। SOS सिंड्रोम, SOS सिंड्रोम का मतलब है द सेम ओल्ड सेक्स सिंड्रोम। अगर आप अपनी पोस्ट मैरिटल लाइफ को रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फिजिकल इंटीमेसी की डेप्थ और सेक्स की फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जा रही है और उसकी वजह से आप लोग नॉर्मल मोनोटोनस सेक्स करते हैं। दाम्पत्य जीवन से मेरा मतलब है उसमें जरूरत पड़ती है इंटीमेट रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है। आपके लव और लव मेकिंग में हर बार कुछ एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, तभी जाकर सेक्स में एडवेंचर होगा। जब लव मेकिंग एडवेंचरस होता है तब हमारा शरीर फेनाइल एथलामीन एंड एड्रेलिन जैसे केमिकल को रिलीज करता है। प्री मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स में क्या है कि ज्यादा एक्साइटमेंट होता है जिससे फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा एडवेंचरस हो जाता है। मैंने इस किताब में उसी बात की चर्चा की है। एक्सक्यूज मी, सॉरी डार्लिंग, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। सर की बीवी है। वो शहर में एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गई थी, मैं जरा उसे रिसीव करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर बैठो और मेरी ये किताब को जरा पढ़ो, तब तक मैं लौट आऊंगा। मेरे सपनों की कमल, मेरे सपनों की रानी। मैंने वहां बैठकर वो किताब पढ़ी, ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा स्पाइडरमैन की कहानी पढ़ता है। उसे पढ़कर के मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की विशेषताओं के बारे में पता चला। जीवन को संगीतमय बनाते बनाते मेरा संगीतकार का जीवन भी नष्ट हो गया, शायद मर ही गया। इसके बाद एक एक करके मेरी जो भी फिल्में आई उनमें मुझे हार का सामना करना पड़ा और फिर कुछ दिन एक महीने पहले मुझे एक ब्रेक मिला। अ ब्रेक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर ब्रेकअप विद माई वाइफ। कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मेरे लिए भी ये वरदान साबित हुआ।
जब लगने लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में, जंगलों से घिरी हुई एक जगह पर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बने उसी घर में 8 साल पहले की यादें और उनका सुखद अनुभव लेने के लिए मैं निकल पड़ा उस घर के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सामान निकाल कर अंदर रख दो। ओके सर। सर आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर देता हूँ। पहले मुझे ब्लैक टी चाहिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट। अच्छा क्या है सर, आपने बताया नहीं कि ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए आपको। कुछ भी चलेगा सर, आपकी पसंद बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ भी चलेगा। फिर भी सर, डोसा इडली कुछ भी हो चलेगा। ये हुई ना बात सर, क्या बात है। लेकिन सर डोसे का मटेरियल खत्म हो गया है। तो फिर चना पूरी बना लो। ये बात हुई सर। अरे बाप रे। ओ, सर अब क्या हो गया, चने खरीदने पड़ेंगे। अरे पूरी हो चपाती हो जो भी हो चलेगा। ये हुई बात तो सर। बात ही तो नहीं बन रही है। अब क्या हो गया, तुम अभी तक गए क्यों नहीं। सर वो आटा खत्म हो गया सर। बेवकूफ, इसीलिए कहा था कि कुछ भी बना लो, फिर भी तुम दिमाग खा रहे हो। अच्छा अब बताओ तुम क्या बना सकते हो। सर अपनी पसंद बताइए ना आप। चावल है। हाँ। नमक है। हाँ। दाल है। वो है कि नहीं, वो भी नहीं है। तो सब मिलाकर खिचड़ी बना दो। बना सकते हो। बनाकर लाता हूँ सर। खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी चाहिए। खिचड़ी बनाएगा तेरा बाप। खिचड़ी चाहिए तो बोलो ना, अब इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। क्या समझ रखा है इसे, ये कोई सुपरमार्केट थोड़ी है कि जो चाहिए उठाओ और लेकर के आ जाओ। मुझे किसी से डांट सुनने की आदत नहीं है वैसे, लेकिन बाहर से किसी को ला भी नहीं सकता काम के लिए, इसलिए सुनना ही पड़ेगा। इसने शक्कर डाली थी या भूल गया। फिर गुस्सा करेगा ये, कोई बात नहीं चख के देखता हूँ। अब क्या है, चाय। क्या हुआ, शक्कर सही है या नहीं यही पूछना था। तुमने और बनाई होगी ना, तो जाके उसे पीकर समझो। ठीक है ठीक है। अब क्या हो गया, अब शिवा मैडम ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। मैडम आज शाम को 5 बजे आएंगी, आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। वहां रख दो। नाम क्या तुम्हारा। मेरा नाम इतना सुंदर नहीं है सर, रवि मुरारी। क्या खराबी है, अच्छा नाम तो है भगवान के नाम पर। सब यही आश्वासन देते हैं कि भगवान का नाम है। ग्लास। हाँ।
तुम क्या यहीं पर रहते हो? नहीं सर, थोड़ी दूर पे खन्ना जी के फार्म हाउस पे। वो कहाँ पर है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर एक मार्केट है, वहाँ से 10 किलोमीटर थोड़ा आगे फार्म हाउस है। पिछले 2 सालों से मैं वहीं काम कर रहा हूँ इसीलिए रहता भी वहीं हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पहली बार आ रहे हैं? नहीं, पहले भी आया हूँ, 8 साल पहले, एक सिनेमा का म्यूजिक कंपोज करने के लिए। अच्छा अच्छा, पहले मैं कहीं और काम करता था लेकिन अब सिर्फ खन्ना जी के साथ ही काम करता हूँ। अब यहाँ कोई नहीं रहता है क्या? सब कुछ कितना बदल गया है। हाँ, ये रहने के लिए बनाया ही नहीं था, बस अपने पार्टनर के साथ मिलकर फार्म हाउस शुरू करने के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। उसके बाद पार्टनर को उसका शेयर देकर इसे अपने लिए रख लिया उन्होंने। खन्ना जी को इसे खरीदे हुए कितने साल हो गए होंगे? करीब 3 साल हो गए होंगे। इसमें भी एक कहानी है सर। कैसी कहानी? आज से करीब 10 साल पहले ये जगह प्रभाकर जी की हुआ करती थी। उनका बेटा एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ यहाँ आया जाया करता था। एक दिन उस लड़की की हत्या हो गई। बहुत पुलिस आई थी, लोग कहते हैं कि पैसे से केस दबा दिया गया। इसी बीच उनके बेटे की भी मौत हो गई। फिर यहाँ आना जाना बंद ही हो गया। फिर जो भी दाम मिला उसी में उन्होंने बेच दिया इसे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। बस मतलब अब यहाँ कोई नहीं आता? ताला लगा रहता है सर। कभी कभी खन्ना साहब अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाया करते हैं, तब उनके साथ मैं भी आ जाता हूँ। वो क्या है कि किसी और पे उनको विश्वास ही नहीं है। मेरा एक पर्सनल मैनेजर है तुम्हारी तरह ही, मजाक करता रहता है, ज्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं उसके पास। अच्छा तुम एक काम करो, खाने की तैयारी। वो तुम्हें भूल ही गया। हाँ। खाना बिल्कुल तैयार है सर, यही बताने आया था आपको। आप चलिए सर, खाना खा लीजिए। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। रवि, एक गिलास और थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। गांव की गोरी है बड़ी सुंदर है, गांव की गोरी है बड़ी सर, इसे यहीं पे रख देता हूँ मैं। तुम भी पीते हो? हाँ, खन्ना साहब पीते हैं सर, जब वो पीते हैं मुझे थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है। सर, एक बैग और बना लेता हूँ। सर और चाहिए क्या? ठीक है सर, एक आपके लिए भी बना देता हूँ। चलो एक छोटा पैक बना। ओके, ये हो गया, बस ठीक है इतना। ये लीजिए, आपके लिए है सर। सर का तो हो गया, एक मेरे लिए छोटी सी। ये हुई बात, आदमी को हिसाब से ही पीना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, इतनी ठीक है। ये सही है। सर, काम काज के चक्कर में आपसे परिचय नहीं हो पाया सर। सर आपकी फैमिली? वो एक ट्रेजेडी है।
मेरा डिवोर्स हो गया है। हाँ, चिंता मत कीजिए सर, ये तो आम बात है, हम सभी मर्दों की यही कहानी है। शादी भी अजीब जबरदस्ती है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो झेलना ही पड़ता है। वो कैसे? सब अपनी बीवियों से दुखी रहते हैं, फिर भी उनके साथ रहना पड़ता है उन्हें। आप ही बताइए सर, बच्चे के चक्कर में एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। सर सर सर, ये देखिए, इस बोतल पर लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है, ये बात हम सभी लोग जानते भी हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम आखिर इसे पीते ही है ना सर। बिल्कुल यही हाल औरतों का है, जानते हुए भी उन्हें झेलते हैं। तितली फ्रेम में फिट नहीं हो रही? ठीक इसी तरह से जीत को हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे दूर हो जाती है। जीत को हम ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते राम, मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है राम, आज तुम्हारी बातों में कुछ पछतावा लग रहा है, जैसे पेसिमिस्टिक टोन। हे माँ, एक कॉन्फिडेंट स्वभाव के अंदर एक डर का एहसास बना रहता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन मन में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। माँ, डोंट फील डिजर्टेड राम, कभी कभी हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर रहती है। हम दूसरों से जो उम्मीद रखते हैं उस पर निर्भर रहती है, बट हैप्पीनेस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। सो कम ऑन मैन, कीप योर चिन अप। तुम जानते हो राम, जब मैं छोटी थी मैं हर चीज के लिए डरती थी और छोटी छोटी बातों पर हार मान जाया करती थी। वो हेमा नायर आज फिल्म मेकर बन गई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इतना आसान नहीं था। दैट्स नॉट अ पीस ऑफ केक राम। हमारे जीवन में कई बार दुखों के अनुभव महान फिल्मों की कहानी बन जाते हैं। मुसीबतों का सामना करने वाले इंसान के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती, सारी मुसीबत अपने आप पीछे हटके रास्ता देती है, पराजय उनके सामने खड़ी नहीं होती। बट हेमा, पता नहीं क्यों लेकिन डेस्टिनी मेरा मजाक बनाती है। But destiny is what we decide, Ram. Destiny, faith, bhagya, vidhi, and you are above all that. अच्छा, अब काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। दो दिन के बाद महेश जा रहे हैं। चलो चलते हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे। हेलो, कैसे हैं आप? सॉरी थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। हेलो सर। जानते हो राम, जब तुम्हारी जिंदगी के बारे में महेश को पता चला तो उन्होंने कहा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। इन्होंने ऑफर भी दिया है कि वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। आपने सही सुना, मैं फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हूँ, क्योंकि आप उतने काबिल भी हैं। सर की बस एक ही डिमांड है कि कहानी आप लिखे। मेरी सिनेमा बनाने की इच्छा नहीं है, बस फैमिली ब्रेकअप और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेमा ने सुझाव दिया कि किसी तरह से क्रिएटिव एंगेजमेंट मेरे लिए अच्छा रहेगा, बस मैं किसी तरह अपने आप को अच्छे काम में उलझाए रखना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। सर सही कह रहे हैं, आपके लिए ठीक है राम। हाँ सब ठीक। थैंक यू। थैंक यू राम, मैं चाहती हूँ अपना पूरा ध्यान इस सिनेमा के ऊपर लगाओ, मतलब समझ गए ना तुम, टूटे हुए सपनों के पीछे मत दौड़ो। डोंट लूज योर हार्ट ओवर दैट, दैट्स नॉट वर्थ इट। आई विल ट्राई। ओके ओके। सर सर, आपके गाने मुझे बहुत पसंद है। सर सर, आप कहानी भी लिखते हैं? सर मैं भी कहानी लिखता हूँ सर। क्या? ये भूतों की कहानियों में मुझे बहुत दिलचस्पी है सर। भूतों की कहानियाँ? हाँ सर, वही तंत्र मंत्र की कहानियाँ। मैंने अपनी कहानियाँ एक मैगजीन में छपने के लिए भेजी थी सर। फिर क्या, उन्होंने नहीं छापी। दरअसल उन्हें अच्छी कहानियां सेलेक्ट करना आता ही नहीं है सर। आ,
अमावस की सुंदरी ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी सर। नहीं वैसे मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है सर, बस शुरुआत ही की थी है। अगर आप कहें तो आपको सुनाऊं मैं, बाद में उस पर सिनेमा बना लीजिएगा है, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए सर। रात के ठीक 12 बज रहे थे, चारों तरफ घोर सन्नाटा था, चारों ओर जंगलों से घिरा प्रदेश, अमावस की काली रात थी, शमशान जैसा सन्नाटा। उसी सन्नाटे में लोमड़ियों की आवाज, आसमान में गिद्ध पंख फैलाए उड़ रहे थे, पेड़ों के साए डरावने हो रहे थे। तभी उसी समय दो नए युवक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उनके सामने घना जंगल था, पीछे से प्रेतों की हंसी आ रही थी। बस करो। सर आप डर गए क्या? तुमने ये कहानी किसी और को सुनाई है क्या? आपको कैसे पता? अगर सुनाई होती तो वो तुम्हें जान से मार चुका होता। चल जाए यहाँ से। और दोबारा ये कहानी मुझे सुनाने के लिए यहाँ मत आना। चल भाग। बड़ा आया कहानी सुनाने वाला। सब लोग एक जैसे ही हैं। नए कलाकार को आगे बढ़ने ही नहीं देते। सिनेमा में जितने लोग हैं ना सब ऐसे ही हैं। जल्दी मैं भी कहानीकार बनूंगा तब दिखाऊंगा तुम्हें। सर मेरी पत्नी गिर गई, उसे बहुत चोट आई है सर। फार्म हाउस के लोगों ने उसे पास के क्लिनिक में भर्ती कराया है। वो थोड़ी सीरियस हो गई है सर, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा सर। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शहर छोड़ देता हूँ। ठीक है सर। सर आपकी देखभाल के लिए मैंने दूसरा इंतजाम कर दिया है। अच्छा? मेरी बीवी की सहेली है, बहुत अच्छी लड़की है सर, मेहनती है। उसके माँ बाप दोनों बीमार रहते हैं, उनका भी हमेशा इलाज चलता रहता है सर। अभी शादी भी नहीं हुई है उसकी। मैं अपना काम खुद ही देख लूंगा। जिस लड़की को आने के लिए कहा है उसे मना कर दो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। सर आप अकेले हो जाएंगे, एक साथ देने वाला मिल जाएगा। साथ देने के लिए वो लड़की है ना, वही जो फार्म हाउस में मर गई थी, वही लड़की। अरे आपको डर नहीं लगेगा सर? डरने की क्या बात है, संगीत और शराब मेरे साथ है ना, हर डर को भगाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर, एक बार नशा हो गया फिर काहे का डर, काहे का साथी। अरे हाँ, शराब से मुझे याद आया, यहाँ बीवरेज कहाँ मिलेगी? बीवरेज का ऐसा है कि सर यही मार्केट के पास माही नाम का एक आदमी है, वो ला करके दे देता है सर। आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे पहुँचा देगा वो। कह देना कि कल दे जाए। सर सर वहाँ वहाँ पे रोक दीजिएगा। रवि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं सर, मैडम ने मुझसे कहा था कि आपसे कुछ ना लूं मैं। अच्छा सर मैं चलता हूँ। सर सर क्या हुआ? अपना नंबर देना भूल गया, आप लिख लीजिए ना सर। बोलो। 9496386087। सर यही है मेरा नंबर सर। अच्छा ओके, किसी चीज की जरूरत हो तो इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा सर। सर मैं नहीं जानता आप विश्वास करते हैं कि नहीं, फिर भी
आप अकेले हैं वहाँ। मुझे कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने बताया है सर। क्या? सर, यही कि उस लड़की की आत्मा वहाँ पे रोज भटकती रहती है सर, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों ने उसे देखा भी है। एक रिक्वेस्ट है, रात को 9 बजे के बाद कोई भी दरवाजा खटखटाए, कितनी भी जरूरत हो दरवाजा मत खोलिएगा आप। हाँ ठीक है, तुम जाओ। कुछ भी हो जाए सर, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहिएगा सर। ये तुम रख। नहीं 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 सर, कहा ना रख लो, कम से कम मेरी खुशी के लिए। सर मुझे, मैंने तुम्हें बहुत डांटा था ना, उसी का प्रायश्चित है। लो रख लो। सर अब तुम जाओ रवि, बीवी का इलाज कराओ। बेचारा। एक दो तीन, तीन कड़क कड़क नोट दिए हैं मुझे। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मुझ गरीब को इतने सारे पैसे दे दिए उन्होंने। Yes, काव्या? मैं बहुत दूर हूँ काव्या, एक पहाड़ी की तलहटी में। बताया था ना कि एक फिल्म के सिलसिले में आया हूँ। ये अच्छी बात है, क्यों यहाँ कोई जगह नहीं थी? थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी, बड़ी सुंदर जगह है। शहर से थोड़ा सा बाहर आने के बाद हरी हरी वादियाँ। क्या बात है? सुंदर जगह है। और तुम्हारे साथ कौन है? मैं और मेरा संगीत और मेरे साथ मेरी कहानी के किरदार। किरदार भी वहाँ जाए तो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, मुझे देखनी है वो जगह। तुमसे मिले में बहुत समय भी हो गया। You are already a distraction, my darling. यहाँ की कड़ाके की ठंड और यहाँ की खूबसूरती, साथ में अगर तुम्हारी मौजूदगी हो जाएगी तो मैं अपना आपा खो दूंगा। मैं तो जरूर आऊंगी, तुम अपना काम करना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ बहुत काम है। हेलो हेलो हेलो, मैं आपका परिचय कराना भूल गया था। काव्या मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे संगीत को पसंद करने वाली मेरी एक फैन। बहुत अच्छा गाती है, कविता लिखती है। वो बेंगलोर में MBA की पढ़ाई कर रही है। काव्या से मेरी जान पहचान उसके कजिन के जरिए एयरपोर्ट पर हुई थी। जब मुझे पता चला कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो काव्या ने बताया कि उसे मेरे लिखे हुए गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पहले पहले फोन पर बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन इतने अच्छे दोस्त बन गए जैसे हम एकदम करीब रहते हों। आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 9 बजे के बाद कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलिएगा सर। उस लड़की को वहां पर कुछ दिनों के बाद मार दिया गया था सर। सब बकवास।
ये कैसी आवाज है? बिजली भी नहीं है। जल क्यों नहीं रही? शिट। अब ये ओ इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। हे रात को जब आए तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। बहुत प्यास लग रही थी तो तुमने जो सॉफ्ट ड्रिंक रखी थी ना वो मैंने पी। अरे मिस किया हुआ, वोडका था वो। पीने के बाद थोड़ा नशा भी हो गया था। रात को जब मैं पहुंची तो बहुत गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गया। देखा तो लाइट भी नहीं थी घर पर। माचिस को ढूंढते हुए जब किचन में आई तो थाली नीचे गिर गई। फिर गैस जलाकर मोमबत्ती जलाई मैंने। इतने में मैं वहां पहुंच गया। डराने के लिए ये काफी था। जो भी हो पर हमारी पहली मुलाकात शानदार रही। राम तुम यहाँ अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो? एक सर्वेंट था लेकिन बीवी की तबीयत के चलते वो चला गया। इस किचन में कुछ भी नहीं है राम, तुम एक काम क्यों नहीं करते, जाकर कुछ ग्रोसरी ले आओ, तब तक मैं यहाँ साफ सफाई कर देती हूँ। पूरी जगह कितनी गंदी लग रही है। ठीक है। काव्या, 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 वाह ये जगह कितनी सुंदर है ना राम? So beautiful that it takes my breath away. An extraordinary location. है ना राम? An extraordinary occasion also. प्राकृतिक सौंदर्य, संगीत और मन मोह लेने वाली तुम्हारी ये मौजूदगी, I am breathless with excitement. But this place seems to have a mystery around. जो हमसे कुछ कहना चाहती हो, है ना राम? You are looking gorgeous. Valarunnu hrudi moham enno male valarunnu. मैं एक अच्छे संगीतकार को देख रही हूँ, क्या बात है? हाँ वो तो है, लेकिन इसका कारण मेरी इंस्पिरेशन है।
तुम्हारे गाने को कोई महाराज अगर सुनता होता ना तो अभी तक आत्महत्या कर लेता। ऐसी बात नहीं है, कहानी से मिलता जुलता एक रिसेम्ब्लेंस अंग्रेजों के राज्य में और उनके दमन के बीच रह रहे महाराज के लिए सुगंधा एक ठंडी छांव की तरह थी। प्यार में डूबे महाराज के लिए उसका साथ होना एक शांति देता था। लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए अचानक वो राजा के जीवन से कहीं दूर चली गई, महाराज को दुखों के सागर में डुबोकर। You look so inviting. I am getting addicted to you. I am not able to live without you. तुम नहीं होती तो मैं बोरियत से भर गया होता। तुम ये सब बातें मुझसे कह रहे हो या शराब से कह रहे हो राम? मैं इस गिलास की शराब से बात कर रहा हूँ। तुमने समझने में गलती कर दी। चलो जाओ। थोड़ी सी सुंदरता मिल जाए फिर देखो। ये सब लड़कियां ऐसी होती हैं, अहंकारी होती हैं। सब मर्द मुझे चाहते हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं। उन्हें लगता है सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, अहंकारी। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। अरे मैं तो सुंदर लड़कियों की बात कर रहा था। सुंदर न होने पर भी एक बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। रात के समय में अकेले बिल्कुल नई जगह पर एक अनजान आदमी के साथ में बिना किसी डर के, हैट्स ऑफ यू। इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर नशे की हालत में मैं तुम्हारा रेप कर दूं तो? उसमें मेरी मंजूरी भी हो सकती है। और मंजूरी के साथ कर दूं तो? तुम मेरा रेप करना चाहते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों, तुम डर गए क्या? हाँ। चलो सो जाए। गुड नाइट। तुम्हारे लिए यही काफी है, बस एक डायलॉग ही काफी है। पानी, पानी। बस एक सपना देखकर इतना डर गए तुम? डरपोक कहीं के। चलो सो जा। छे
गुड मॉर्निंग. व्हाट इज सो गुड अबाउट इट? पहले तो ये सुबह होगी, उसके बाद शाम होगी, इसी तरह से ये उम्र तमाम होगी. हम जो भी सुंदर सपना देखते हैं उसे पूरा करने की शुरुआत भी तो सुबह से होती है. That fills you with hope and optimism. शायद तुमने सुना होगा, close your eyes to have a dream and open your eyes to fulfill that. हम आंखें बंद करके जो भी सुंदर सुंदर सपने देखते हैं उन्हें साकार करने के लिए हमें जागना पड़ता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं. ठीक कहा ना मैंने? मैंने तो कभी नहीं सुना. कैसे सुना होगा, मैंने अभी अभी जो कहा. क्या बात है, सुबह सुबह बड़ी कविताएं सुना रही हो. तुम्हारे संगीत के सामने मेरी कविताएं कुछ भी नहीं है. तुम्हें संगीत के बारे में अच्छी जानकारी है क्यों? पिताजी लिखा करते थे. मैं इकलौती संतान थी इसीलिए उन्होंने बहुत प्यार से पाला था मुझे. अगर रात में माँ मुझे लोरी ना सुनाए तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, ऐसा पिताजी बताते थे. अच्छा, अब तुम ज्यादा झूठ मत बोलो. तुम चाय पियो, चलो चाय पियो, इससे तुम होश में आ जाओगे. ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं नहा कर आती हूँ. You? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया बोलो? तुम्हारे जैसे इंसान से एक औरत क्या चाहती है तुम्हें पता है? प्यार चाहती है, प्रोटेक्शन चाहती है. मुझे तुम पर शर्म आ रही है. बोलो मैं क्या करूं?
टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। ये तुम ठीक नहीं कह रहे हो राम। कम ऑन। Can I ask you something? Yes. तुमने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा था? मैंने नहीं, उसी ने। डिवोर्स की अर्जी उसी ने दी थी। तो उसे रोका क्यों नहीं? उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे लगा वो किसी और को पसंद करती है। मैंने महसूस किया कि let her sleep with him। लेकिन मेरे कहने पर जब उसने ये कदम उठाया और मुझे देखकर कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो मैं सहन नहीं कर पाया और ना ही कुछ बोल पाया। और वो था कौन? हेमंत नाम है उसका, उसका बॉस है। Was he hot? Was he better than you in bed? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल तुम हो। Was he better than you in bed? Will you stop this nonsense, Kavya? तुम चुप क्यों हो गई? तुमने उससे बात करके देखा क्या? अब वो क्या चाहती है? जरूरत नहीं समझी। लेकिन तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। Men are like this. उन्हें बस अपनी खुशी से मतलब होती है। They all want bloody prostitutes on bed. सुबह ही बनाया था इसलिए ठंडा हो गया। खाना गरम कर दूं क्या राम? काव्या, can I ask you something? What? जो औरतें पति के साथ नहीं रहती हैं, वो दूसरे मर्दों के साथ मेरा मतलब है वो दूसरे मर्दों के साथ कैसे रह लेती है? क्या कहा? मेरा मतलब है वो दूसरे समथिंग। ओहो अच्छा। बेकार ब्रांड है ये, तुम दूसरी क्यों नहीं लेते? लगता है सर बहुत सीरियस है। क्या हुआ, कुछ सेट नहीं हो रहा है क्या? अपनी कहानी के लिए मुझे क्लासिकल मेलोडी चाहिए जो मेरे लिए काफी कंफर्टेबल हो। सिचुएशन क्या है? ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी हालत में आइसोलेशन से गुजरता हुआ नायक और उसी समय उसके जीवन में एक एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन रिलेशनशिप।
और उसके बाद अचानक उसके जीवन में अजीब सी घटनाएं होने लगती है। सिचुएशन को मन में रखकर तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें समझ आ जाएगा। मुश्किलों के दौर से सब गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन को एंजॉय करते रहते हैं, सारे सुख भोगते हैं। कभी कभी इसे किस्मत कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुशी और अच्छी जिंदगी सिर्फ उनके लिए है। तुम दो पैग लगाकर सो जाओ, तुम्हें भी वो सुख जरूर मिल जाएगा। राम, तुम जरा ये सुनकर देखो ना। ला दो। ये हरहर प्रिय है ना? नहीं, ये राग कन्नड़ है। इसमें एक त्यागराज कृति है, उसी पर आधारित है। कल तुमने जो मुझे सिचुएशन बताई थी उसके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक कहा, जरा सुनो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अब तुम एक काम करो, इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। ठीक है मेरी जान, मैं इसे पूरा कर दूंगी। पहले तुम मेरे लिए एक कॉफी बना कर ले आओ प्लीज। ओके। अरे ये क्या कर रही हो, तुम्हारे गाने पर हीरोइन को नाचना नहीं है, इसमें थोड़ा सा ठहराव चाहिए, ठहराव समझी? अपनी राय अपने पास रखो, समझ गए? कंपोज करने के लिए बनाया था, अब ठहराव इमोशन चाहिए तो खुद बैठ कर डाल लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, रुको तो सही। चलो मान गई। बहुत अच्छा बनाया है। ये माधुर्य से भरा हुआ एक प्रेम गीत है, लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही है। जब मन में प्रेम हो तो लिखे हुए गाने अपने आप हिट हो जाते हैं। अब मन में प्रेम नहीं है, इसीलिए रोमांटिक गाने तुम लिख नहीं पा रहे हो। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, कुछ बातें हैं जिन्हें मैं चाह के भी नहीं भुला पा रहा। जितना कोशिश करता हूँ वो उतना ही मेरे पीछे आती है, मेरा एक अनचाहा अतीत। टाइम विल हील योर वुंड्स but memory will remain dormant and will hound you for long. You are so unromantic, Ram. थोड़ा romantic हो जाइए music director जी। जब मन में प्यार होगा तो गाने अपने आप romantic होंगे, ये बात आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राम तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारा ये काम नहीं होता तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? इससे तो अच्छा होगा मैं इस पहाड़ से छलांग लगाकर जान दे दूं। ये भी कोई शक्ल है प्यार करने वाली। ये भी ठीक रहेगा, उस पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे छलांग लगा दो और जाते समय गिटार भी ले जाना,
ठीक रहेगा। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया था, जरा रुको। चलो जाओ। बस रहने दो, मैं ठीक हूँ। फिर भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? वो भी बहुत अच्छी थी। जब एक अच्छा आदमी और एक अच्छी औरत साथ होते हैं तो जीवन सुखी नहीं होता है। तो सर की कंपोजिंग कैसी चल रही है? बस एक गाना बाकी है, आज बहुत थक गया हूँ। और फिर कल फ्राइडे है, कल पूरा करूंगा, फिर परसों सैटरडे पूरा आराम। यहाँ तो हर दिन मस्ती कर रहे हो तुम। संडे तो फंडे ही होता है। ओके, देखते हैं। गुड नाइट। ए काव्या, जरा यहाँ आना तो। यू लुक लाइक अ एंजल। ये कहने के लिए बुलाया है मुझे? मेरा काम करोगे? आपके जैसा महान संगीतकार जब मुझे कुछ करने को कहेगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? बताओ क्या करना है मुझे? नींद नहीं आ रही हो तो लोरी गाकर सुला दूँ तुम्हें? नहीं 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 नहीं, सुबह 5 बजे मुझे उठा सकती हो? जो हुकुम। और कोई हुकुम हो तो बताइए। सुन कर के हंसना मत। अरे नहीं नहीं, बताओ तो, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, हाँ बोलो ना। नहा करके भीगे बालों को लेकर एक भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनने वालों में गजरा लगाकर हाथ में गर्मा गर्म कॉफी लेकर मेरे पास आ सकती हो? मुझे बस इतना सा चाहिए। नहीं आओगी ना? तुम ना मुझ में अपनी बीवी ढूंढ रहे हो। बीवी को तो शादी के दिन से ही मिस किया है। जब वो मेरे साथ रहती थी तब भी उसे मिस करता था। मुझे थोड़ा काम है पर तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। पर कल के लिए मेरी एक और इच्छा है। और वो क्या है? काव्या, कल मेरा जन्मदिन है। ओ, ये बात है? ये इतनी बड़ी बात नहीं है, भगवान से थोड़ी गलती हो गई होगी। तुमसे बोल के कोई फायदा नहीं। गुड मॉर्निंग राम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग राम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग राम, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग राम, हैप्पी बर्थडे। मैं कितनी देर से कह रही हूँ मोटर का स्विच ऑन कर दो, नहाते वक्त ही पानी खत्म हो गया। तेरी तो मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी, तुमने पी रखी है। मैं पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। मैं इसलिए पी रहा हूँ ताकि मैं हिम्मत बढ़ा सकूं। क्यों? तुम्हारी ज़बान ऐसे लड़खड़ा रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा अपने रिलेशन को कैसे डिफाइन करूं। शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक लगाव है। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब मैं बीवी को मिस नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। तो मेरे साथ रहोगी क्या? मेरी बीवी बनकर, या फिर उससे भी ज्यादा? बोलो, रहोगी? Thank you.
काव्या, काव्या मुझे एक ब्लैक कॉफी दोगी प्लीज? सर में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या, 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 बड़ा रोल होता है, एक लक्ष्य होता है। मेरा रोल यहीं पर पूरा होता है। अब मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना राम। मैंने तुम्हारे साथ हर एक पल एंजॉय किया। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा राम। मैं हमेशा इन पलों को अपनी याद में संजो कर रखूंगी। तुम्हारी मिसेस राम। चल रहा है यार यहाँ पे? सुन सुन, वो चली गई। हाँ वो चली गई, उसे ही ढूंढ रहा हूँ यार मैं। क्या? चल वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम कहाँ हो? मैं स्टेट बंगले में हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? क्या कहा? यही कि वो चली गई है। अरे वो बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन तेरा फोन जैसे ही आया ना वो मुझसे मिस हो गई। अब तो तू खुश हो गया ना? इतनी जल्दी वो वहाँ कैसे पहुँच गई? और तुम कहाँ हो? कलकत्ता में। इतनी सुबह वो वहाँ पर कैसे पहुँच गई? वो तब तो जरूर कोई भूत नहीं होगी। रात 12 बजे तक मेरे साथ थी, उसके बाद बिना किसी गाड़ी के पैदल चलकर वहाँ पहुँचने के लिए एक रात का समय काफी नहीं होता है। ये बता तू बात किसकी कर रहा है यार? और किसकी? काव्या की। कौन काव्या? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वो छोड़ ना। अच्छा, फैमिली ब्रेकअप के बाद तूने खूब सपने देखे हैं। तुझे क्या हो गया मेरे भाई? तुझे लग रहा है तेरे फिल्म की हीरोइन जमीन पे उतर आई है? चलो देख कहीं वो कोई भूतनी तो नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर वो चुड़ैल ना हो। अगर वो चुड़ैल हुई ना तो उससे तुझे बच्चे भी नहीं पैदा होंगे। मुझे डरा मत नालायक। अबे मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ, तेरे साथ मैं हूँ ना यार। अरे मैं यहाँ सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। तूने उसे कॉल किया था क्या? फोन नहीं लग रहा है। एक काम कर, उसका नंबर दे मुझे। 9444-774-5657। अबे ये तो BSNL का नंबर है। हाँ। अरे यार BSNL में तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड काम करता है, मैं नंबर ट्रेस कराता हूँ। उसका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है, घर का नंबर मेरे पास है नहीं, लेकिन उसका घर कहाँ है ये जानता हूँ। कालूपुर के पास एक शिव मंदिर है, उसके पास है। घर का नाम अश्विनी है। तू उसका एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर, मैं जाके देख के आता हूँ। और सुन, उसने जिस कॉलेज का नाम तुझे बताया है ना, उसको गूगल पे सर्च कर तू और नंबर निकाल, फिर कॉल कर लेना। ओके। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता चले ना तो मुझे कॉल करना, ठीक है? थैंक यू। चुप कर, बड़ा आया थैंक्स बोलने वाला। मैं अब बस यहीं रोक दीजिए। हाँ ठीक है सर, बस बस यहीं पे। हाँ बस 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 बस, 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 बस। बाप रे, अरे बाप रे, कितना हो भैया?
अरे बाप रे। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ बोल ना भाई। मिला क्या? मिली ना यार, बहुत अच्छी तरीके से मिली, ऐसी मिली कि अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहे हो, बोलो तो बात क्या है? खबर होने के लिए बचा ही क्या है, पता नहीं किस पते पे भेज दिया था तूने मुझे। उसके कजिन को? साफ साफ बताओ क्या हुआ। खबर सिर्फ उस घर में ही नहीं, पूरे इलाके में उस नाम की लड़की मुझे नहीं मिली। इतने विश्वास से कैसे कह सकते? अगर उस इलाके में उस नाम की कोई लड़की होती ना तो भी लोग मुझे इस तरह से नहीं मारते। तू कमीना है। मारा? और नहीं तो क्या, मुझे इतना मारा है कि मेरी सारी हड्डियां टूट गई। अबे वो सब छोड़, मुझे तो शक हो रहा है कि तूने ये सब जानबूझ के किया है। यार तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चुपचाप फोन रख। अरे मां मर गया। हेलो सर, मैं कनकराज बोल रहा हूँ। कौन? कनकराज सर, मैं कनकराज। कनकराज सर? कनकराज कनक सर? कनक क्या कर रहे हो यार, साफ साफ बताओ कौन हो। सर प्रोडक्शन कंट्रोलर कनकराज सर। ओ तो तुम हो। हेमा मैडम ने फोन किया था, आप वहाँ ठीक से है ना सर? काम तो हो गया ना सर? हाँ मैं खुद ही फोन करने वाला था। हैं? क्या हुआ सर? इस घर के आसपास कोई रहता है क्या, आई मीन कोई औरत वगैरह, कम उम्र की लड़की मेरा मतलब है? नहीं सर, उस घर के आसपास 20 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, कोई भी नहीं रहता है सर। और यही वहाँ की खासियत है, लोग बहुत पसंद करते हैं उस जगह को। क्या बात है सर, कोई बात है क्या? हाँ हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां हैं सर, अगर आप कहें तो एकाध को भेज दो आपके लिए, थोड़ा मन भी बहल जाएगा आपका। इन लोगों को इसके सिवा दूसरा विचार आता ही नहीं है। लेकिन अचानक से किसी को बताए बिना वो एक दिन राजा की जिंदगी से चली गई। महाराज को दुखों के समुद्र में डुबोकर सॉरी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है श्रुति? राम मैं हेमा हूँ। सॉरी हेमा, सुगंधवल्ली कहाँ चली गई? कौन सुगंधवल्ली, किसकी सुगंधवल्ली? सुगंधवल्ली मेरे जीवन में खुशियाँ फैलाने के लिए आई थी, वो कहाँ चली गई? देखो राम, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि शराब पीकर नशे में धुत होकर मुझे कभी फोन करके बकवास मत करना, तुम मेरे बारे में जानते हो ना? Hey, it's very urgent. I'm in trouble. इसीलिए तुम्हें परेशान किया। क्या हुआ इतनी रात को? सुबह बात नहीं कर सकता। सुगंधवल्ली कहाँ चली गई महाराज को भी नहीं पता है। अच्छा। शायद इतिहासकारों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। Contradictory conclusions. तो तुम एक काम करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो और चुपचाप अब सो जाओ। थैंक यू सुंदरी नागवल्ली। Idiot. क्या हुआ? कुछ नहीं। सुगंधवल्ली के बारे में नागवल्ली बोल रही थी। ओ, ओ, ओ. आहा, देखो तो फिर से आ रहा है, पीछा किए बिना माने का नहीं है। हाय। चल जाए यहाँ से। थैंक यू थैंक यू। हाँ हेलो। हाँ बोल ना भाई। सुनो नकुल,
तुम कहाँ पर हो? हाँ, बोल अब। यहाँ एक समस्या खड़ी होगी। बस इतनी सी बात है? मैं तो यहाँ समस्याओं के समुंदर में खड़ा हूँ। मेरी बात तो सुनो, थोड़ी देर पहले बेंजामिन फर्नांडिस का फोन आया था। वैसे उसका कोई संबंध तो नहीं है, बट फिर भी मुझे शक है। ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा तो कुछ नहीं, बस इतना ही कि कुछ जरूरी बात करनी है। दो दिन के बाद कॉल करेगा, वो मुझसे मिलकर बात करना चाहता है। उसका नंबर देना मुझे। उसने नेट से कॉल किया था और कहा कि आज ही कॉल करेगा। कुछ भी हो, तू जरा होशियार है ना, मुझे तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी लग रही है। यार तू एक काम क्यों नहीं करता, जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना यार, बस ऐसे ही प्रिकॉशन के लिए। ओके? क्या कंप्लेंट करूंगा कि मैंने एक लड़की के साथ उसकी मर्जी से सेक्स किया? ये कैसी बातें कर रहे हो? बात वो नहीं है यार, अगर कोई क्रिमिनल मोटिव हुआ तो, और अगर उसको एड्स हुआ तो, या फिर वो कोई आतंकवादी हुई, या उसी तरह वीडियो बना दो, तुझे ब्लैकमेल करेगी वीडियो बना के। मेरी बात पे ध्यान देना, तुझे होशियार रहने की जरूरत है। ए, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे डरा रहे हो। अगर कुछ भी हो, कोई गड़बड़ लगे, किसी पे शक हो, तो देर मत करना, फौरन मुझे बताना, हमेशा मेरे टच में रहना। बाल बाल बच गया। हेलो। हेलो रवि, मैं बोल रहा हूँ। सर आप हैं, कैसे हैं आप? अब वाइफ की तबीयत कैसी है? अब ठीक है सर, दो तीन दिनों में डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। वो सर, वो क्या है कि मुझे एक बहुत बढ़िया कहानी मिली है सर। मैंने किसी और काम से फोन किया है। वो तुम किसी लड़की की बात कर रहे थे ना? हैं, वो आई ही नहीं, उसी दिन तो आने के लिए कहा था मैंने, मुझे लगा कि वो आ गई होगी। फोन किया तो उसका फोन ही स्विच ऑफ था सर। जल्दबाजी में आपका फोन नंबर लेना भूल गया, नहीं तो फोन कर लेता मैं। अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो और जल्दी से उसका नंबर एसएमएस करो, अर्जेंट है। ठीक है सर, अभी भेजता हूँ मैं। सर लेकिन अब क्या जरूरत है, एक दो दिन में तो मैं आ ही जाऊंगा ना। अरे वो बात नहीं है, दूसरा काम है। नहीं सर, वो ऐसी लड़की नहीं है, उसे छोड़िए, भूल जाइए सर, मैं आपके लिए दूसरा इंतजाम कर दूंगा, ऐसा कि आपको भी बहुत मजा आ जाएगा सर, सच कह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, छे बैटरी खत्म हो गई। छे स्टूपिड। छे हेलो। अबे मैं नकुल बोल रहा हूँ, सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? बोलो ना। अंजलि तुझे फोन कर रही है, तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा बे? अंजू? अबे अंजलि, अंजलि अनिरुद्ध, तेरी स्ट्रेंजर वाइफ, उसे कॉल कर ले। मुझे बात नहीं करनी। अबे तू अपनी ईगो को छोड़ ना यार, उसे एक बार कॉल करके तो देख, बोल रही थी कुछ काम है तुझसे। उससे मेरा जूता भी बात नहीं करेगा। अबे कैसी बात कर रहा है तू, एक बार भाई उससे कॉल करके बात कर ले। ये कहने के लिए मुझे फोन किया था? अबे फोन रख। जिस नेटवर्क पे आप संपर्क कर रहे हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। मैं हूँ राम। राम मैं बाथरूम में हूँ, बस पांच मिनट।
खुला है, अंदर आ जाओ। हेलो हेलो काव्या, सॉरी रॉन्ग नंबर। लगता है तुम काव्या को बहुत मिस कर रहे हो। मूवी का काम बस खत्म ही होने वाला। और क्लाइमेक्स क्या है? कॉटेज से गायब हुई काव्या को ढूंढने के लिए हीरो निकलता है, मैंने वहीं तक पढ़ा था। उसके बाद कभी काव्या राम की जिंदगी में वापस नहीं आई। काव्या के साथ बिताया हुआ समय, वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव, उसकी वो यादें, उससे पाई खुशियां, उसका विश्वास, इन सब के साथ उसने अपना सफर शुरू किया। उम्मीद नहीं थी कि कभी जिंदगी में उससे दोबारा मुलाकात होगी। वो बस इंतजार करता रहा। उसके बाद मूवी का क्लाइमेक्स बस यही खत्म होता है, उसका सफर। हमारा एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। एक थैंक्स कहना चाहता था, क्योंकि इस फिल्म की पटकथा में अंजलि का कंट्रीब्यूशन बहुत रिमार्केबल रहा है। सच कहूँ तो काव्या के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह ढाल पाया। थैंक यू वेरी मच। इट्स माई प्लेजर। राम के जीवन में कम से कम मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाई। आई कंसिडर इट एज एन ऑनर। अंजलि, तुम अगले महीने US के लिए रवाना हो रही हो ना? हाँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब मैं चलता हूँ। चाय तो पीकर जाओ। हेमा की फ्लाइट आने वाली है, मुझे उसे पिक करना है। चलता हूँ। बाय, टेक केयर। ओके, बाय। हाय अंजू, यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हो? जब अकेलापन महसूस होता है तो यहाँ चली आती हूँ। पहले यहाँ मैं और मेरा राम आया करते थे। क्या बात है अंजू, मुझे पता चला तुम दोनों ने काउंसलिंग के लिए म्यूचुअली पोस्टपोन कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो। आज सुबह सुबह राम के एडवोकेट से मेरी ऐसी ही कुछ बातचीत हुई थी। उसने बताया कि तुम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट पिटीशन फाइल किया हुआ है, और उसने बताया कि कंपनी के नए असाइनमेंट्स के लिए अंजलि तुम US जा रही हो अगले महीने। अंजू, आखिर बात क्या है? मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम दोनों एक बार फिर से साथ रहोगे। आखिर इस बीच में क्या हो गया? आओ अंजलि, बैठो। सॉरी राम, मुझे थोड़ी देर हो गई।
किसी पार्टी की जनसभा थी, बहुत ट्रैफिक जाम था। बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, या बीवी खुद से ज्यादा ऊंची है या फिर गोरी है, क्या इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स पाल रखा है? मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूँ, और अगर इसे ऐसा कुछ लगता है तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तुम एक संगीतकार हो राम, तुमने कम से कम 20 से ज्यादा फिल्मों में संगीत तैयार किया हुआ है, लेकिन तुमने कभी अपनी बीवी के लिए एक छोटा सा भी गाना गाया है? बिल्कुल नहीं। जब देखो तब ये मुझसे बस लड़ती ही रहती है या किचन में काम करती रहती है। इतना ही नहीं, अपना यूजुअल नीनिंग परफॉर्मेंस। इतने सालों में इसने कभी मेरे संगीत की एक बार भी तारीफ नहीं की। यकीन नहीं है तो खुद ही से पूछ लीजिए। क्यों अंजलि, तुम भी तो संगीत जानती हो ना, साहित्य के बारे में भी जानती हो तुम, तो तुम आखिर अपने पति की मदद क्यों नहीं कर सकती? शाम तक मेरी नौकरी होती है, उसके बाद घर पहुंचती हूँ, फिर किचन का काम करती हूँ। हाँ, यही बात है। संसार में सभी लोगों के पास 24 घंटे ही होते, ये बात तो सबको पता है ना। अब अगर समय के साथ देखा जाए तो हम अपने पति को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देना चाहते। आप दोनों के मैरिटल डिस्कॉर्ड का एक बहुत बड़ा कारण है ये, और 8 सालों के अंदर ओवर फेमिलियरिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। राम, तुम्हारी अगली फिल्म कौन सी है? हेमा नायर की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट और संगीत मैं ही कर रहा हूँ। ओह, वेरी गुड। अंजलि, तुम तो जानती हो, बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और इसी में एक औरत की जीत होती है। अपने पति के साथ एक औरत को खड़े होकर उसे सफल बनाने की मन में इच्छा होनी चाहिए, और उसी इंस्पिरेशन से एक आदमी आगे बढ़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक असफल आदमी के हार के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। So, the choice is yours. तो अंजलि, तुम फैसला करो कि अपने पति के लिए तुम आखिर क्या बनना चाहती हो। अब दोनों की चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे निजी जिंदगी हो, दोनों के घर के कामकाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी जा करके एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पति और पत्नी दोनों अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, ये आपको समझना होगा। आपने तो सुना ही होगा, Men are from Mars and women are from Venus. वो बुक आपने लिखी है? वो क्या है, लिखने के लिए मैंने जैसे ही पेन उठाया, जॉन ग्रे ने मुझसे पहले लिख डाली। बढ़िया <मामा। laughs> जोक। बीच बीच में कॉमेडी भी करते रहना चाहिए। हेलो, मैं एक जरूरी डिस्कशन में था। यू कैरी ऑन बस 10 मिनट और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर ओके, आई विल बी देयर। बीवी थी, क्या आप जानते हैं कि शादी होने के 15 सालों के बाद भी मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से इतना अटैच्ड क्यों हैं? कहते हैं कि पत्नी की खूबसूरती को निहारना हो ना तो पड़ोसी की नजर से उसे देखना चाहिए, और मैं यही करता हूँ, इससे एक्साइटमेंट बना रहता है, नहीं तो हम दोनों का आकर्षण खत्म हो जाएगा। या तो फिर क्या है कि शादी से पहले जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उन दिनों को याद करना शुरू कर देते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी को एक बढ़िया फिल्म की तरह एंजॉय करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हम दोनों उसके नायक और नायिका बनकर के जीते हैं। हम दोनों ही पटकथा और उसका निर्देशन भी करते हैं। हमारी कहानी अ हैप्पी मैरिज। हमें उसमें जो भी सीन गलत लगते हैं उसे हम एडिट कर देते हैं। साइकोलॉजी में इस तरह की गहरी रिसर्च करके मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं, आप दोनों को यही लगता होगा ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम दोनों के बीच में सेक्स बहुत ही एडवेंचरस है। वी डेवलप अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल बॉन्डिंग्स। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन? यस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन विद स्पाउस। मैरिज इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो पति और पत्नी दोनों को बहुत से अधिकार, कर्तव्य और बंधनों में बांध कर उन्हें रोक देता है। इसीलिए हमें मैरिज नाम के सोशल इंस्टीट्यूशन से ऊपर सोचना होगा, मैरिज नाम के कॉन्ट्रैक्ट के कानूनी बंधन से बाहर निकलना होगा। आई मीन वी गो आउट ऑफ आवर वे टू डिलाइट द पार्टनर। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल बॉन्डिंग बनानी होगी।
एक वैवाहिक बंधन से ऊपर उठकर एक बंधन, सॉरी मुझे अर्जेंटली जाना होगा, मैं आपको अगली डेट बताता हूं, वी विल कैच अप लेटर। और एक बात, आप दोनों के जीवन में डिवोर्स के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन फिलहाल नहीं है, सो प्लीज रीथिंक, प्लीज रीथिंक, ऑल द बेस्ट। और हाँ राम, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो रास्ते में अंजलि को छोड़ते हुए चले जाना, ठीक है? प्लीज डोंट बदर, आई नो, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। प्लीज अंजलि, प्लीज अंजलि, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसे लिफ्ट जरूर देता, अकेली जाने वाली लड़की एक जिम्मेदारी होती है, वो लड़की चाहे कोई भी हो। चलो अंजलि, प्लीज। अंजलि, तुम्हें ये गाना याद है? एक जमाने में ये गाना हम दोनों की रिंगटोन हुआ करता था। सॉरी, एक्सक्यूज मी, यस हेमंत, व्हाट्स अप? नो, इट्स ऑलरेडी लेट, कैन वी हैव इट टुमारो इवनिंग? ओके देन, बाय, टेक केयर। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। किसी जमाने में मेरे अंदर बहुत अहंकार था, मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान आदमी हूं। आज मेरे पास इसका उलट सोचने का कारण नहीं है। इतना ही नहीं, मैं कारण देखना भी नहीं चाहता। बट अंजलि, हाउ कैन इट बी लाइक दिस? डोंट यू थिंक दैट वी शुड गिव इट अ सेकेंड थॉट? एक बार और सोचकर देखो ना। नो वे, इनफैक्ट I'm excited about my new assignment in the US and I'm looking forward to that. मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूँ, to go to any extent, जिससे अंजू हमेशा मेरे साथ रहे। It's too late, Ram, and the damage done to our relationship is too extensive. It's not worth having it repaired. You know something? गलत रास्ते या गलत फैसले दोनों हमें हमारे लक्ष्य पर ले जाते हैं, या फिर अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती का जब एहसास हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश करें तो यू आर बाउंड टू बी अ लूजर। अंजू, तुम्हें याद है हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे, कितना अच्छा समय था वो। वो सब अतीत था। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो थोड़ा समय समुद्र किनारे बिताकर चलें, जस्ट 5 मिनट्स। नो, हम लोग आज 1 साल के बाद मिल रहे हैं, दोबारा कब मिलेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, देखो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, सो प्लीज डोंट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू, ओके? ओके, अंजू तुम यहीं पर रुको, मैं राम प्रसाद की दुकान से चने लेकर आता हूं।
वो राम प्रसाद याद है जिससे चने लिया करते थे? अब वो गुजर गए हैं। चने की जगह पे आज आइसक्रीम खा रहे हैं, पर वो खुशी नहीं मिल रही है। चने ले लो, चने। बहन जी चने 10 रुपए के मिलेंगे। नहीं चाहिए। भाई साहब चने दूं आपको? एक दे दीजिए। अच्छा, पैसे नहीं चाहिए। ये चने खाने के बाद आप दोनों की नाराजगी दूर हो जाएगी, फिर आप मुझे पैसे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। बिल्कुल दूर होगी भैया। मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर आप दोनों एक दूसरे से सॉरी कह देंगे तो सारी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी भैया। एक दूसरे का सम्मान करने से जीवन आसान हो जाता है। मैं सॉरी नहीं कहूंगी। मैं भी सॉरी नहीं कहूंगा। अब इसका फैसला तो ये चना करेगा। पहले आप दोनों लोग एक एक करके ये चना खाइए। जब आखिरी में एक चना बचेगा ना, वो जिसके हाथ में होगा वही माफी मांगेगा। देखो बच्चों, प्यार करने वाला अगर नाराज हो जाए, स्नेह करने वाले से अगर नफरत करने लगे तो दिल में बहुत तकलीफ होती है। ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं है कि बेटा, तुम्हें पता है बेटा, मैं अपने बेटे के लिए ही जी रहा हूँ। एक समय था जब मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो वो मुझे छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। शायद यही जिंदगी है। इसीलिए कहता हूं, एक दूसरे से बातें करके गलतफहमी दूर कर लो। देखो बच्चों, मुझे जो कहना था कह चुका हूं। अब तुम लोगों को क्या करना है ये तो तुम्हारे हाथ में है। छोटी सी जिंदगी है, इसे लड़ाई झगड़े में क्यों बर्बाद कर रहे हो बेटा? अच्छा, मैं जाता हूं अपने चने बेचने। चने ले लो 10 रुपए, चने ले लो 10 रुपए। I'm sorry. Sorry मुझे कहना चाहिए। मैं चाहती थी तुम सॉरी कहो, इसलिए एक्स्ट्रा मूंगफली उठा ली। चने चने 10 रुपए, चने 10 रुपए। लो ये भी आ गए।
नाराजगी दूर हो गई बेटा। हाँ, आपकी बात काम आ गई। ऐसे नाराज होना अच्छा नहीं होता। ये लीजिए। अरे मेरे पास चिल्लर नहीं है बेटा। रख लीजिए। ना ना बिल्कुल नहीं, जो पैसे मेहनत के ना हो वो चोरी के जैसे होते हैं बेटा मेरे लिए। पकड़ो इसे, जब भी यहाँ पे आना मुझसे चने लेकर खा लेना, मुझे खुशी मिलेगी। इसे तुम अपने पास ही रख लो बेटा, ठीक है। चने 10 रुपए, 10 रुपए चने, अच्छा चने 10 रुपए। जैसा रामप्रसाद भैया ने कहा था, हमें उस बारे में सोचना चाहिए, जो लिखा है वही होता है। किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो किस्मत नहीं थी, हमारे बिछड़ने से पहले वो हमारी आखिरी कैजुअल मीटिंग थी। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस, वी आर पार्टिंग आवर वेज विद अ मोस्ट बिटर एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स। रेपुटेशन या फिर समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, जरा एक बार सोच कर तो देखो। इट्स टू लेट राम, डिवोर्स ऑलवेज कैरीज अ स्टिग्मा, बट स्लोली वी विल गेट यूज्ड टू इट। कैन आई आस्क यू समथिंग? व्हाट? मेरी अगली मूवी जिसकी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन माय लाइफ, आई मीन हमारी जिंदगी पर, उसमें बहुत फिक्शन का सहारा लिया गया है। एग्जरेशन ना होते हुए भी हमारा प्यार, उसके बाद तलाक तक पहुंचा हमारा जीवन इस कहानी का बेस है। और इस समय मैं अपनी स्क्रिप्ट का फाइनल पार्ट लिख रहा हूं। मुझे लगा कि इस फिल्म के गाने और क्लाइमैक्स में उसी रिसोर्ट में लिखूं जहां पर हम पहली बार मिले थे। और जैसा डॉक्टर ने कहा है, अंजू तुम मेरे साथ 1 महीना बिता सकती हो। पहली बार जब हम मिले थे, वहाँ से हमारे वैवाहिक जीवन तक का एक सफ़र फिर से, उससे मैं अपनी कहानी के बारे में, उसके किरदारों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से एम्फेसाइज कर पाऊँगा। नो राम, अब तुम मेरी यादों में भी नहीं हो राम, मुझे नफरत सी हो गई है। लेट अलोन स्टे विथ यू फॉर अ मंथ। Staying with you for 1 month is just out of question. राम तुम्हें पता है ना, अब हमारे बीच पति पत्नी का रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है राम। अंजलि, अंजलि तुम ना कह सकती हो, हम दोनों ने प्यार करने के बाद कितनी उम्मीदों के साथ शादी की थी। एक बात सोचो, दुनिया में चाहे जितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना, एक मुस्कान सब कुछ बदल सकती है। और ये सच्चाई सबको पता है। कम से कम हम अच्छे दोस्त की तरह अलग हो सकते हैं बिना किसी हार्ड फीलिंग्स के, कम से कम कुछ अच्छी यादों के साथ अलग हो सकते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें अपनी बीवी की तरह नहीं, एक अनजान लड़की की तरह मिलना चाहता हूँ। अंजलि तुमने अपनी जिंदगी के पूरे 8 साल मेरे साथ में बिताए हैं, अब बस अपनी जिंदगी का 1 महीना और बिता लो। On your terms. राम अगले 2-3 दिन तक मुझे थोड़े काम है। अंजू जब फ्री हो बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। फिलहाल मुझे एक बार सोचने दो, थोड़ा समय दो मुझे। आई विल कॉल यू टुमारो। दैट्स ओके, टेक योर टाइम। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नो थैंक्स, एक और बात, आज से अंजू मत कहना, अंजलि ही कहना। हम लोग 1 महीने से साथ ही थे, स्क्रिप्ट, संगीत, कविता, रोमांस, सब कुछ। हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत 30 दिन। आपने जिस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात की थी वो वहां पर डेवलप हुआ। 8 साल में जो हमारे बीच अटैचमेंट नहीं बन पाया था वो वहां बन पाया।
सच कहूं तो मेरा राम से अटैचमेंट ज्यादा हो गया, इसीलिए हम दोनों ने काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी। वैसे ऐसा हुआ क्या था अंजलि? बट वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था डॉक्टर। पढ़ाई करते समय राम के गीतों में एक फैसिनेशन पैदा हुआ, वही बाद में इन्फेचुएशन बन गया, और उसका जो सेलिब्रिटी स्टेटस था और आने वाली लग्जूरियस लाइफ, इसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं सोचा। और शादी के बाद जब तुम्हारा जीवन की कड़वी सच्चाई से सामना होना शुरू हुआ तो दाम्पत्य जीवन में तुम्हारी अरुचि पैदा होने लगी। इसे डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं, जहां तुम दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, अब एक दूसरे के लिए बोझ होने लगे थे। उसके बाद तुमने राम का घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, घर से जाने के बाद अकेले रह रहे राम को तुमने डिवोर्स का नोटिस भी भेज दिया, और अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए तुमने ढेर सारे चार्जेस भी लगा दिए। ताकि तुम्हें डिवोर्स मिलने में कोई दिक्कत ना हो कोर्ट से, लेकिन राम आगे बढ़ना चाह रहा था, इसीलिए तुम्हें वापस पाने के लिए उसने हर तरह की कंप्रोमाइजेस की। अंजलि जिस स्नेह की अपेक्षा कर रही थी राम से, राम ने उसे जी भर के तुम्हारे ऊपर बरसाया। हाँ, मैंने राम को बहुत ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने पेपर्स फॉरवर्ड कर दिए उसे। वैसे एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अब वैसे तुमने अलग होने का फैसला तो कर ही लिया है, तो एक अच्छे दोस्त की तरह अलग होना। एनीवे, डिवोर्स इज इमिनेंट, इसीलिए अलग होते समय एक दूसरे को दोष देना बिल्कुल बंद कर दो प्लीज। ये सोचो कि एक अच्छे इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हैं, बस यही सोचकर अब तुम दोनों अलग होना, और एक औरत के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान होता है। अंजलि, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस खुशी को मिस किया है, वो सबसे अच्छे खुशी के पल और वो याद करने वाली कई उपलब्धियां हमारे जीवन में हासिल की है मैंने। एक दूसरे पर आरोप लगाने और कमियां ढूंढने के बीच में ये सब खो गया था डॉक्टर। मैं पता नहीं किस काल्पनिक फीलिंग में खो गई थी, मैं राम को समझ ही नहीं पाई थी डॉक्टर। अपने पति से लड़कर जीत हासिल करना नहीं, बल्कि उसे जीतने में स्त्री की असली जीत होती है, ये अब मैं समझ पाई हूं। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। आई नो, आई डोंट इवन डिजर्व अ सेकंड चांस।
हाय अंजलि, कम इन कम इन कम इन, बी सीटेड, टेक योर सीट। कैसी हो अंजलि, मंदिर से आ रही हो? बहुत ट्रेडिशनल लुक में हो तुम। नहीं नहीं, बाहर जा रही हो ना, उससे पहले राम से एक बार मिलना चाहती थी, शायद ये आखिरी बार होगा। और ये कपड़े राम को बहुत पसंद हैं, और रास्ते में एडवोकेट के ऑफिस गई थी, कुछ पेपर साइन करने थे, तो सोचा जाते जाते आपसे मिलती चलूं। डॉक्टर, विश यू ऑल द बेस्ट अंजलि, हैप्पी जर्नी, कीप इन टच। थैंक यू डॉक्टर। चना 10 रुपए। नहीं चाहिए। एक ले लो ना दीदी, 10 रुपए का ही है। नहीं चाहिए, कहा ना। प्लीज दीदी एक ले लो। मुझे चना नहीं चाहिए, थोड़ी मन की शांति चाहिए। दे सकते हो तुम? नहीं दे सकते हो ना, ये लो 100 रुपए। गेट लॉस्ट। हाँ, बढ़िया। पैसे? हाँ, लो भाई खाओ का, उसको भी पैसे सर। लो भाई, आप भी लो भाई। तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? बिना मेहनत के पैसा चोरी के समान होता है दीदी, ऐसा पिताजी कहते थे। थैंक यू दीदी। रामप्रसाद भैया की मौत हो गई, आज उनके बेटे से मिली, मैं अब एक असमंजस की स्थिति में हूँ। तुम्हारे जाने की तैयारियां पूरी हो गई? मैं आज रात में निकल रही हूँ, हेमंत ने होटल भी बुक कर दिया है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मुझे सबसे ज्यादा दुख तुमसे अलग होने का हो रहा है, पर मेरा जाना भी तो जरूरी है। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द सुनना चाहती थी राम, कि तुम मुझे एक बार रोक लो बस। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगा, मुझे ये कहने का हक नहीं है। अंजलि ने ही कहा था कि अब हम दो अजनबियों की तरह हैं। इतना ही नहीं, अंजलि के जीवन में अब उसका ड्रीम जॉब मिला है, ये US का असाइनमेंट। अगर मेरी वजह से कैंसिल होगा तो मैं अपने आप को हमेशा अंजलि का गुनहगार ही समझूंगा। ये छोटे छोटे दुख तो हम सह ही सकते हैं, जिससे कल हमें बड़े सुख हासिल हो सके, लेकिन पल भर की खुशी को पाने के लिए बड़ी बड़ी सफलताओं का त्याग किसी भी सूरत में जायज नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। हमने रिजॉर्ट में जो साथ में समय बिताया ना, तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारा अपनापन, सब कुछ, तुमने जो कहा था वो मेरी लाइफ में स्वीट मेमोरी बनकर रहेगी, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, हमने जैसे ये एक महीना बिताया पूरी उम्र वैसे बिता सकते हैं। कम ऑन अंजलि, लगता है डॉक्टर का पागलपन तुम्हें भी लग गया है।
लेकिन प्यार भी तो पागलपन का ही नाम है। हमने एक साथ जो एक महीना बिताया वो हमारे एग्रीमेंट का एक हिस्सा था, जैसा डॉक्टर ने कहा एक न्यूरोलिस्ट प्रोग्राम। जैसे मैनेजमेंट में तुम लोग एक ट्रेनिंग टूल का इस्तेमाल करते हो, हमने जो एक महीने तक किया है वो एक रोल प्ले था। दो अनजान लोगों की तरह हमने उसे बहुत अच्छी तरह निभाया। तुमने जिसे पसंद करके प्यार किया वो तुम्हारा पति नहीं, राम नाम का अनजान आदमी था। एंड आई मेड लव टू काव्या, नॉट यू। काव्या और अंजलि दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एक किरदार राम का काव्या नाम की लड़की के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था, बस उसमें एक उद्देश्य था, मेकिंग अ मूवी, मेकिंग अ प्लेजेंट मेमोरीज फॉर बोथ ऑफ अस। बस इतनी सी बात है। दोबारा पति पत्नी बनकर रहेंगे तो सब बदल जाएगा। वी विल स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। वी आर नॉट कॉम्पिटिबल अंजलि। कल कितने बजे की फ्लाइट है? शाम को 7 बजे, लेकिन मुझे आज शाम ही निकलना होगा, कल सुबह एक मीटिंग है मेरी, इसीलिए। कल मैं भी वहीं पर रहूंगा, मरीन ड्राइव के पास के एक स्टूडियो में मूवी का प्रीव्यू है। अंजलि से मैंने कहा था ना। बट सॉरी राम, मैंने कहा था ना वो मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर लेट मत करो, मैं अंजलि को घर ड्रॉप कर देता हूँ। कल की जगह अगर तुम चाहो तो आज चल सकते हो, हम लोग एक साथ जा सकते हैं। पर क्यों? मुझे बस घर ही जाना है, सब कुछ पैक कर दिया है, बस सामान उठाना है। ओके। अब मैं राम को पूरी तरह से जान गई हूँ। लगता है तुम्हें अंजलि बोलने में दिक्कत होती है ना? Good evening. Good evening, sir. Good evening. Mr. Hemant has booked a room for me. Yes, ma'am. Room number 303. Okay. Okay. Thank you. Thank you. अब मैं चलता हूँ। हेमंत कब आएगा? हेमंत सुबह में आएगा। मीटिंग के बाद कुछ ऑफिशियल काम है, इसीलिए हेमंत मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देगा। शाम को 7 बजे की फ्लाइट है। ड्राइव करके तुम थक गए होगे, कुछ देर आराम करके सुबह में चले जाते, तब तक हेमंत भी आ जाएगा। वो क्या है ना, इस कमरे में मैं अकेली ही हूं ना। लेकिन वहां भी मैं साथ तो नहीं रहूंगा ना। You have a choice. ठीक है, फोन करके एक्स्ट्रा रूम के लिए कह दो। एक्स्ट्रा रूम? मुझे शर्मिंदा मत करो राम। I'm sorry. खाना ऑर्डर करती हूँ। कुछ भी मंगवा लो। कौन सी ड्रिंक्स बोलूं? जरूरत नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। एक अनजान लड़की के साथ शराब पीना और बेड शेयर करना ठीक नहीं है ना? क्यों?
बहुत बड़ा फ्लर्ट है, बट आई नो हाउ टू पुट हिम इन हिज प्लेस। मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। राम, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है कि एक नौकरी के लिए आई विल स्लीप विद हिम। सॉरी कह के हम अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों को हथियार बना के डिवोर्स के लिए जल्दबाजी करते हैं। यही उसका मोटिव होता है। और ये हेमंत और अंजलि के बीच की केमिस्ट्री, एक साथ सफर करना, एक साथ रहना, इसकी वजह से शक होना तो सामान्य बात है। अगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, अगर अंजलि ने ऐसा किया भी होता तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यू स्टिल रिमेन द सेम अंजलि, जिस लड़की को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता था और पसंद करता हूं। राम, नीचे हेमंत वेट कर रहा है, एयरपोर्ट के पास के होटल में मीटिंग है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। एक बात कहूं तुमसे? नहीं, कुछ मत कहना। अगर मैंने मना किया तो अंजलि से ज्यादा दुख इस समय मुझे होगा। ये लो कार की चाबियां, अपना सामान निकालकर चाबी रिसेप्शन पे दे देना। मूवी की एक कॉपी जरूर भेजना, भूलना मत। मूवी के हिट होने की मैं प्रार्थना करूंगी। ऑल द बेस्ट। जी धन्यवाद। अच्छा, ओके। थैंक यू। कहाँ जाना? मरीन रोड। अच्छा, बैठो। सर, आप
म्यूजिक डायरेक्टर राम मोहन है ना? हाँ, और तुम्हारा नाम? चित्रा। चित्रा, मिस्टर राम, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? अभी इसी वक्त, हर समय कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। दिस इज राम मोहन। यू नो व्हाट? व्हाट? हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन। या दैट्स राइट, इट्स अ जर्नी इटसेल्फ। राम का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। वैवाहिक जीवन की नई परिभाषा के साथ अपने जीवन के लंबे सफर के लिए वो निकल पड़े हैं। इस बीच दो बातें हुई, राम की मूवी हिट हो गई, संगीत सुपर हिट हो गया। दूसरी बात यह हुई कि राम और अंजलि ने मिलकर वैवाहिक जीवन में जो संगीत रचना की उसके दो गाने हिट हो गए, उनमें से एक पांचवी पढ़ रहा है और दूसरा पहली क्लास में।